पहले उनके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, तो क्या मुख्यमंत्री जी कपड़ा नहीं पहनेंगे? पहले उनके बाबा दादा अन्न नहीं उपजा के खाते थे, तो क्या वो अन्न नहीं खाएंगे, शिकारे करेंगे? सूबे के मुख्यमंत्री को अपने काबिलियत पर शक है, इसलिए वो अनर्गल बयान करते हैं। पता नहीं कौन सी सस्ती नशा करते हैं। कहाँ है 67 घोटाला जो मोदी जी गिना के गए? इसका मतलब मोदी जी ने झूठ बोला, तो मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। आपके दादाजी के पास हाथी था, दादाजी मर गए, हाथियों मर गया, तो आप जंजीर लेके घूमिएगा? कि घोड़े के पैर में सिक्कर बांध दिया, गधा जीत गया भाई। आप इनको लोन दिला सकते हैं? है किसी की हिम्मत? 5,000 रुपए का लोन नहीं दिला सकते? आखिर अडानी को ही 12,270 करोड़ रुपया अभी माफ हुआ है, अभी तुरंत। अगर वो पत्थर का है, सॉलिड पत्थर का, तो शिवलिंग है। अगर कंक्रीट का है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट बना, उस हिसाब से वो सीमेंट है, इसका मतलब नहीं टूटा। सरकार के लोग ही शराब माफिया बने हुए हैं, तो पूर्णतः शराबबंदी है नहीं। तादू आजादी के पहले 40% चीनी सिर्फ बिहार में उत्पादन होता था, 33 चीनी मिले थी। तो क्या गोरे अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले समुद्र को पी कर गया या समुद्र को अपने पीठ पर लाद कर गया? मुख्यमंत्री जी रोटी नहीं खाते शायद, आप खाते हैं कि नहीं? हम तो खाते करते रोटी। तब अंग्रेज के समय में 40% चीनी उत्पादन होता था, 33 चीनी मिले थी, तो क्या उस समय समुद्र था? बाबू वीर कुंवर सिंह के परपुत्र की हत्या हो गई और उनकी पुत्र वधु ये कहती रही कि भी बाबू वीर कुंवर सिंह के कैंपस में सेक्स रैकेट चलता था, ड्रग्स रैकेट चलता था, ये राष्ट्रप्रेम है? गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2,000 रुपये का नोट छापने की मशीन पकड़ा गया, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में 2,000 के नोट बरामद हुए, ये राष्ट्र प्रेम है? पुलवामा घटना में 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन किसका था आज तक पता नहीं चला, ये राष्ट्र प्रेम है? अपनी बेबाक अंदाज के लिए जाने गिराने वाले पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ में है। आपको बता दें कि पटना की सैर पर हम निकले थे रात में, पटना की स्थिति जानने के लिए निकले थे कि रात में पटना की स्थिति क्या है, कानून व्यवस्था क्या है, कैसी है, उन सभी मसलों पे हम निकले थे। पर हमारे साथ में पंकज श्रीवास्तव मिल चुके हैं और इनको बारे में बता दूं कि ये अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पंकज शर्मा जी, सुशासन बाबू का बिहार कैसा लगा आपको? देखिए, सुशासन कहते किसको है या कुशासन कहते किसको है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। जिस शराबबंदी को लेकर इतने कानून बनाए गए और इतनी सख्ती बरती गई जिससे कि राजस्व का बिहार का नुकसान भी हो रहा है, फिर भी नशाबंदी एक अच्छा कदम है, हम उसका ये करते हैं, लेकिन सरकार को ये फैसला करना होगा। सरकार के लोग ही शराब माफिया बने हुए हैं, तो पूर्णतः शराबबंदी है नहीं, तो इस पर पूर्णतया अमली जामा कब पहनाएंगे? दूसरी बात, आपने कहा तो हमारे यहाँ सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि समुद्र किनारे औद्योगिक विकास होता है। मैं बता दूं, आजादी के पहले 40% चीनी सिर्फ बिहार में उत्पादन होता था, 33 चीनी मिले थी। तो क्या गोरे अंग्रेज भारत छोड़ने से पहले समुद्र को पीकर गया या समुद्र को अपने पीठ पर लाद कर गया? ये बात उनको बताना चाहिए, बरगलाना नहीं चाहिए। 17 साल का समय जो होता है एक लंबी अवधि है, और इस लंबी अवधि में एक दूसरे पर छींटाकशी करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री कुशासन बाबू कुर्सी कुमार कहते नहीं थकते। सुशासन बाबू हैं। क्या हुआ समस्तीपुर में भैया, क्या हुआ? आप राशन कार्ड वोट के समय में 5 किलो गेहूं और चना देने की बात कहते हैं, लोग भुखमरी के कगार पर है, राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, ये सब तमाम बातें पूछा जा रहा है। दूसरी बात, बिहार में अपराध की दृष्टिकोण से देखेंगे या किसी भी दृष्टिकोण से देखेंगे, बिहार लगातार पिछड़ता रहा है और बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं रही, जिसका नतीजा यहाँ के आम जनता को और जो गरीब गुरबे हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। ये बातें जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बड़का जुट्ठा और बड़का लुच्चा पार्टी के लोग, यानी कि डबल इंजन की सरकार को सोचने की जरूरत है। बिहार में कॉटन मिल था, बिहार में जूट मिल था, बिहार में अशोक पेपर मिल था, और बिहार के सभी मूल समस्याओं का जड़ बिहार में बाढ़ समस्या का निदान नहीं होना। अगर देखिए मर्ज को समझिए, देखिए मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप लोग को पता है हम लोग बहुत काम किए हैं, काम को बदलो, इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और अभी भी काम करते रहते हैं, बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे। तो यही बात कुर्सी कुमार खुद अपने आप को कह रहे हैं कि बोलने वाले ऐसे ही बोलेंगे, काम होता रहा। काम क्या हुआ?
किसको रोजगार मिला, आप ये बताइए ना, रोजगार कितना दिया बिहार के युवाओं को? रोजगार के लिए मुख्यमंत्री कहे कि बिहार जो है समुद्री इलाकों से नहीं गिरा हुआ है, पर लैंडलॉक ये जो स्टेट है लैंडलॉक है, इस वजह से यहाँ पे रोजगार नहीं लग सकता है। मुख्यमंत्री जी रोटी नहीं खाते शायद, आप खाते हैं कि नहीं? हम तो खेबे करते रोटी। तब अंग्रेज के समय में 40% चीनी उत्पादन होता था, 33 चीनी मिले थी, तो क्या उस समय समुद्र था? नहीं, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। गोरे अंग्रेजों की इच्छा शक्ति प्रबल थी, बिहार में 33 चीनी मिल थी, मटौरा चीनी मिल का क्या हुआ? खुद प्रधानमंत्री आकर यहाँ सभा में बोले हैं, हर साल बिहार में बात किया जाता है, सुगौली चीनी मिल का क्या हुआ? आप घूमिए पूरे बिहार में और जहाँ जहाँ चीनी मिले बंद हैं, कम से कम उस उतना ही चालू कर दीजिए ना, कुछ ज्यादा नहीं कीजिएगा, जो था उसको तो बरकरार रखिए। कि 100 दिन आप गालियां देते रहिएगा विपक्षी नेता का, खोजते रहिएगा तो उसे बिहार में विकास हो जाएगा? वो तो कहते हैं कि कोई भी सवाल अगर मुख्यमंत्री से किया जाता है तो एक ही बात कहते हैं, पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था बिहार में कानून व्यवस्था? पहले उनके बाप दादा कपड़ा नहीं पहनते थे, तो क्या मुख्यमंत्री जी कपड़ा नहीं पहनेंगे? पहले उनके बाबा दादा अन्न नहीं उपजा के खाते थे, तो क्या वो अन्न नहीं खाएंगे, शिकारे करेंगे? ये सब बात वो निकम्मे निठल्ले लोग करते हैं जिनको अपनी काबिलियत पर शक होता है। निश्चित तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री को अपने काबिलियत पर शक है, इसलिए वो अनर्गल बयान करते हैं। पता नहीं कौन सी सस्ती नशा करते हैं कि वो हमेशा अनर्गल बयान करते हैं। हम एक ही बात पूछना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार के पलायन को रोकने के लिए इनके पास कौन सी रूपरेखा है? आज बिहार के लोग बाहर के प्रदेशों में जाते हैं तो मार खाते हैं, गालियां सुनते हैं, माँ बहन की सुनते हैं, उसके बावजूद दो का रोटी नसीब नहीं होता है। तो क्या सूबे के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है? क्या सूबे के मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती है कि जहां जम्मू कश्मीर में जब बिहार के लोग मारे जाते हैं बार बार, उसके वहां जाने से रोकना जाना चाहिए, उनको यही रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए। तो ये देखिए, बिहार में सब कुछ है, घटता बिहारी घटता भारत। जिस समय बिहार में सम्राट अशोक हुआ करते थे, उस समय भारत का स्वरूप देखिए पूरे वर्ल्ड पर कब्जा था। तो आज बिहार का क्या स्थिति है? आप 17 साल से हैं, आप कितना साल दोषारोपण कीजिएगा भैया? 17 साल का बच्चा कमाने लायक हो जाता है, किसी से पूछ लीजिए बिहार में कि 16 साल 17 साल में लोग परिपक्व होने लगते हैं, 18 साल में वोट डालने का अधिकार है। तो बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है मुख्यमंत्री जी, ये तो बताइए। भुखमरी के इंडेक्स में बिहार की क्या स्थिति है? शिक्षा में क्या स्थिति है? आप देखिएगा जब, तो सब चीज में फिसड्डी है। और हम नहीं कह रहे, नीति आयोग कह रहा है, नीति आयोग से भारत सरकार की है। वो सब आंकड़ा तो मन में नहीं करते नीतीश कुमार, कहते कि वो सब मोदी जी से पूछिएगा, 67 को घोटाला का जिक्र करते थे, आज एक भी घोटाला समझ में नहीं आ रहा। उसी CBI और ED का प्रकोप है कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाते। और ED का क्या प्रकोप, वो तो स्वतंत्र संस्था है। कहाँ है 67 घोटाला जो मोदी जी गिना के गए? इसका मतलब मोदी जी ने झूठ बोला, तो मोदी जी को माफी मांगना चाहिए, उन्हीं के पार्टी के लोग हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर बिहार के लोगों को अब एक मूवमेंट खड़ा करना चाहिए कि जो भी सांसद अगर बिहार के विकास के लिए, बंद औद्योगिक इकाइयों के लिए, बिहार में बाढ़ समस्या के निदान के लिए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच खुला था उसके फंडिंग के लिए, एक समान शिक्षा नीति के लिए, एक समान स्वास्थ्य नीति के लिए, जो भी सांसद चुनाव जीतने के बाद गरीब जनता के टैक्स से पैसे से वेतन भत्ता लेता है और लोकसभा राज्यसभा में आवाज तक नहीं उठाता है, उनको क्षेत्र में घुसने नहीं देना चाहिए। नो वर्क नो पेमेंट, आपने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई, आपको हम क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे, और उनको, उन सांसदों को वेतन भत्ता लेने का कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताइए, बिहार की राजनीति पर तो बहुत चर्चा होगी, पूरे देश में भी ज्ञान व्यापी चल रही है, नुपुर शर्मा चल रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भगवान सबके दिल में बसते हैं, मैं भी हिंदू हूँ। हिंदू धर्म 5 तत्व हैं, त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा और परोपकार। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म जिस राम और कृष्ण की पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, तो क्या कोई नर को भगवान मान रहा? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, तो धर्म समझाने की चीज है, धर्म प्रदर्शन का चीज नहीं है। समझिए, जिस तरीके से धर्म की व्याख्या की जा रही है और किसी खास राजनीतिक पार्टी के द्वारा जिस हिसाब से धर्म को परोसा जा रहा है, लोगों को बचना होगा। आज
देश कलंकित हो रहा है। यही अरे सुनिए ना, ये बुद्ध की धरती है भाई, क्यों बकबक करते हैं? ये भगवान महावीर की धरती है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, ये माँ सीता की जन्मस्थली है। आप सीखिए, सभी धर्मों का समावेश बिहार है। कोई ऐसा धर्म बता दीजिए। हर आदमी को भूख लगती है, हर आदमी को प्यास लगती है, हर आदमी बीमार होता है, हर आदमी को शिक्षा चाहिए, हर आदमी को रोजगार चाहिए, उसकी बात नहीं होती। बात होती है, एक बात बताइए कि जब मंदिर मस्जिद का मुद्दा देश को खोखला कर रहा है, सीधी सी बात है, दो मिनट का काम है, कोई इतना लंबा पेचीदा 2024 तक खींचने की जरूरत नहीं है। अगर वो पत्थर का है, सॉलिड पत्थर का, तो शिवलिंग है। अगर कंक्रीट का है, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट बना, उस हिसाब से वो सीमेंट है, इसका मतलब नहीं टूटा। भगवान कहाँ नहीं है? आपको गुरुद्वारों से सीखना होगा, हिंदू और मुसलमानों को। जिस तरीके से गुरुद्वारों में मानव सेवा होती है, भूखों को खाना खिलाने की व्यवस्था है, लंगर सेवा है, जोरा घर है, जूता रखने की व्यवस्था है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, हम हिंदू और मुसलमानों को अगर भारत को विश्वगुरु बनाना है तो अपने अपने धार्मिक स्थानों में गुरुद्वारे जैसी व्यवस्था करनी होगी। एक बात बताइए, भूख मानता है कि हिंदू है कि मुसलमान है, अग्रा है कि पिछड़ा है? लाखों लोग बेघर हैं। अगर इन सब के पास घर होता तो ये अपने घरों में सो रहे होते, ये फुटपाथ पर नहीं सो रहे होते। असली धर्म यही है। और भगवान राम जब लंका विजय के बाद आए, अपने भाई भरत के विनती पर कहते हैं, परहित जैसा कोई धर्म नहीं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई अधर्म नहीं। परहित को धर्म मानते हुए भगवान सूर्य पूरी दुनिया को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करते हैं। वायु जीवन जीने के लिए हवा देती है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। आपने तमाम हमारे हिंदू धर्म में भी साधु संतों को देखा होगा जिन्होंने अपरहित के लिए अपने पूरे शरीर को दान दे दिया। देखिए जी मुनि का नाम आपने सुना होगा, ईसा मसीह जिन्होंने परहित को धर्म माना, मदर टेरेसा माना। पंकज जी, हम उतना लंबा नहीं जाने जाते हैं। बीजेपी अभी भी कहती है कि हम राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं, हम राष्ट्र प्रेम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्र प्रेम के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र सर्वोपरि है। ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? राष्ट्रभक्त पार्टी कही जाती है। भाई सुन तो लो, ये कौन सा राष्ट्र प्रेम है? बाबू वीर कुंवर सिंह के परपुत्र की हत्या हो गई और उनकी पुत्र वधु ये कहती रही कि भी बाबू वीर कुंवर सिंह के कैंपस में सेक्स रैकेट चलता था, ड्रग्स रैकेट चलता था, ये राष्ट्र प्रेम है? गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 रुपया का नोट छापने की मशीन पकड़ा गया, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में 2000 के नोट बरामद हुए, ये राष्ट्र प्रेम है? पुलवामा घटना में 300 किलो RDX, 50 किलो जेलेटिन किसका था आज तक पता नहीं चला, ये राष्ट्र प्रेम है? ये राष्ट्र प्रेम है कि देश के चंद औद्योगिक घरानों को पैसा लोन में देकर NPA कर देना, ये राष्ट्र प्रेम है? आप बताइए, पत्रकार हैं, अगर आप भी अगर भाजपा के आंदोलनों की तरह अगर गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं खाते तो आप बताइए कि विजय माल्या नीरव मोदी कैसे गया? कोरोना काल में जो अप्रवासी मजदूर थे उनके साइकिलें छीन ली गई सहारनपुर में और उन साइकिलों को बेचकर 21 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमाया। लोगों ने देखा था जिस रामायण में संजीवनी बूटी और सुसैन वैद को प्राथमिकता दी गई, वहीं हमारे ही यहाँ हमारे नेताओं के द्वारा ताली थाली पीटने की बात की गई। जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कहते हैं कि संजीवनी बूटी या सुसैन वैद की जरूरत है, मतलब दवाई और डॉक्टरों की जरूरत है। आज बिहार में अस्पतालों की क्या स्थिति है? आप देखिए कि लोग, गरीब आदमी पूछिए इनसे, क्या ये अपना इलाज करा पाते हैं? हमसे नहीं पूछिए। आप बिहार के गांवों में जाइए, पूछिए उन युवाओं से जिनके माँ बाप ने अपना पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया। रेल और बैंकिंग सेक्टर बिहारियों के लिए सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था, आज उस रेल और बैंक की क्या स्थिति है? कहाँ जाएंगे हमारे बिहार के बच्चे, कहाँ जाएंगे हमारे बिहार के लोग? आप बताइए, नहीं बताएंगे? आप भगवान के नाम पर बना दीजिए डैम, आप क्या करना है? आपको पानी को रिस्टोर करना है। जब आप बाढ़ समस्या का निदान करेंगे तो पनबिजली बनेगा, लघु छोटे उद्योग बनेगा, कृषि होगा, तो कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? आइए ना भाई, आप कोई भी भगवान का नाम बोल के कोई शुरू कर दीजिए अपने अपने धर्म के हिसाब से, वो बात नहीं कीजिएगा, काम क्या कीजिएगा? खाली आपस में कैसे लड़े आदमी? लड़ने से धर्म मजबूत होगा? धर्म मजबूत होगा, धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना। अरे भैया, धर्म की रक्षा सिखों से सीखिए।
गुरुद्वारों में कैसे की जाती है, जाइए कि वहाँ लंगर सेवा कैसे है, वहाँ कैसे स्वास्थ्य की सेवा है, वहाँ कैसे जोरा घर है, कैसे वहाँ मानव सेवा की जाती है। मानव से बड़ा कोई धर्म नहीं। और भगवान खुद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो, भगवान कहते हैं, नर ही नारायण है। आपको इंसान को भगवान हर दिल में भगवान बसते हैं, किसमें नहीं बसता है, आप समझिए धर्म को। अच्छा ठीक है पंकज जी, एक आखिरी सवाल। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक मूवी आई है, उसमें अक्षय कुमार का कहना है कि हिंदू जो राजा थे उनको कहीं ना कहीं इतिहास में जगह सही ढंग से नहीं मिला है, अब वो इतिहासकार बन गए। देखिए हम उस समय नहीं थे, इतिहास लिखने वाले आप देखिएगा रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, उस रामायण में 3000 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास लिखे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। 5000 साल बाद सूरदास जी ने लिखा, किस इतिहासकार ने क्या लिखा, अब क्या परफेक्ट है, उस चीज में आप उलझ रहे, वर्तमान स्थिति में आप नहीं उलझ रहे। जब आप वर्तमान के बारे में सोचेंगे आप हमेशा खुशहाल रहेंगे। इसमें कहीं को दो राय नहीं है कि मुगल आक्रांताओं ने हिंदू राजाओं के साथ या हिंदू समाज के लोगों के साथ गलत नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आपके दादाजी के पास हाथी था, दादाजी मर गए, हाथियों मर गया, तो आप जंजीर लेके घूमिएगा, अब बेहतर कैसे होगा। आप इस पर आइए कि अब 80% हम हिंदू हैं। भुखमरी से कौन मरा, 5 आदमी अपने घर में समस्तीपुर में फांसी के फंदे से लटक गया, ब्राह्मण परिवार के थे, हिंदू थे। आप किसको कहिएगा, यहाँ दलितों की क्या स्थिति है, पिछड़ों की क्या स्थिति है, आप उस पर आइए ना भाई। आप तो कह नहीं सकते प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, पुलिस कमिश्नर हिंदू, डीएम लगभग हिंदू, तब हिंदुओं की स्थिति ऐसी कैसे है। कौन सा आप एक बात आप लोग हमेशा दिखाते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, भैया तो हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी खा रहा है, शाही पनीर की सब्जी खा रहा है, रसमलाई खा रहा है, दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है, भुखमरी के कगार पर है। और आप गोवलकर के सिद्धांतों को मानते हुए बैंकों को डुबाया, तमाम पैसे औद्योगिक, कैसे नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया देश छोड़कर, आपको पता है कि दरभंगा की 13 साल की बेटी कैसे साइकिल चलाकर बीमार पिता को लेके आई, मजदूर नहीं आ पाया, विजय माल्या भाग गया लंदन, कौन दिया एनओसी भैया, कौन दिया ऋषि अग्रवाल को, आप बताइए ना। अडानी इतना बड़ा अमीर कैसे हो गया, सरकारी बैंक का पैसा ले लिया और वही पैसा से उसको माफ कर दिया गया, वही वाली बात हो गई कि घोड़े के पैर में सिक्कर बांध दिया, गधा जीत गया भाई। आप इनको लोन दिला सकते हैं, है किसी की हिम्मत, 5000 रुपये का लोन नहीं दिला सकते। आखिर अडानी को ही 12,270 करोड़ रुपया अभी माफ हुआ है, अभी तुरंत, कैसे हो गया। तो आप ये बताइए कि 80% हम हिंदुओं की है और हिंदू सब कुछ है, तो अब हम हिंदू गरीब क्यों, हम हिंदुओं के बच्चों को रोजगार क्यों नहीं, आपने तो ये कह दिया, बात उस पर होनी चाहिए, रोजगार पर सबसे बड़ा। देखिए